बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाने के लिए जेडीयू लगातार प्रयास कर रही है। जेडीयू के जितने भी नेता हैं वो आए दिन ये बातें कह रहे हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बिहार की राजनीति में आना चाहिए, जेडीयू उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे, ये हमारी मांग है। अब जेडीयू की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ये मांग रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा पर्सनल मांग है कि नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो, और एंट्री ही नहीं बल्कि जेडीयू में बड़ा पद मिले, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए और उस जिम्मेदारी को वो पूरा करेंगे। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं कि निशांत को लेकर क्यों मांगे उठ रही है। कारण ये है कि निशांत ईमानदार है, उसके बाद शांत स्वभाव के हैं, राजनीति को समझते हैं और देख चुके हैं कि किस तरीके से बिहार को संभालना चाहिए। उनके पिता ने बिहार को संभाला है और इसके लिए उनकी राजनीति में एंट्री हो। लेकिन जेडीयू के जो भी बड़े नेता है वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि हामी भी नहीं बढ़ रहे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगर आप देखें तो नीतीश कुमार इन बातों को हमेशा कहते आए हैं कि हम परिवारवाद से दूर रहते हैं, हम अपने किसी भी परिवार के सदस्य को राजनीति में नहीं हमने लाया है, हम चाहते हैं कि परिवारवाद से हम दूर रहे। तो एक ये भी सवाल है कि जेडीयू के नेताओं की तरफ से जो मांग उठ रही है उसमें नीतीश कुमार हामी भरेंगे और अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाएंगे? अगर निशांत के ऊपर ये बात छोड़ी जाए तो निशांत लगातार इनकार करते आए हैं कि उन्हें राजनीति में नहीं रहना है, वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उनको राजनीति में लाने की बात चल रही है तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आना चाहते हैं, हम अपने पिता को हमने देखा है राजनीति करते हुए तो अब हम नहीं आना चाहते। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाने के लिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अब जेडीयू के नेता ये मांग उठा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने वाला कौन है। तो ऐसा कोई होना चाहिए जो उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले, जैसे रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को चिराग पासवान ने संभाला, लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरासत को तेज प्रताप यादव संभाल रहे हैं, जीतन राम मांझी के राजनीतिक विरासत को संतोष सुमन संभालने जा रहे हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए निशांत की चर्चा हो रही है और सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए ताकि वो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत को संभाल सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।